डिविजिबिलिटी रूल से रिलेटेड हम यहाँ पे फर्स्ट एग्जांपल करते हैं। क्वेश्चन दिया गया हमें यहाँ पे, व्हाट इज़ द स्मॉलर नंबर दैट शुड बी एडिड टू 98267 टू मेक इट डिविजिबल बाय 9। सबसे स्मॉलर नंबर क्या हो जिसको हम 98267 में ऐड करें तो वह पूरी तरह से 9 से डिविजिबल हो। ऑप्शंस दिए गए हैं यहाँ पे। इसको करने का सबसे पहला तरीका ये है कि जो नंबर हमें दिया गया है 98267, इसको हम 9 से डिवाइड करें तो जो भी हमारे पास यहाँ रिमाइंडर बचेगा उसे हम आइडिया लगा सकते हैं कि हमें इसमें क्या नंबर ऐड करेंगे जिससे कि ये 9 से डिविजिबल हो जाएगा। लेकिन ये लेंथी प्रोसेस है, हमें ये फॉलो नहीं करना। दूसरा तरीका ये है कि हम इसके डिविजिबिलिटी रूल को चेक कर सकते हैं। 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है कि जो नंबर हमें दिया गया है उसके डिजिट का सम करें और जो भी सम आएगा वो 9 का मल्टीपल होना चाहिए। तो हमें यहाँ पे नंबर दिया गया है 98267, अगर हम इसके डिजिट का सम करें तो ये 9 का मल्टीपल होना चाहिए, ठीक है। अब हम जानते कि नंबर 9 से तो डिवाइड होगा नहीं, तो हम इसका सम चेक करें। सम आएगा इसका 9 + 8 = 17, 17 + 2 = 19, 19 + 6 = 25, 25 + 7 = 32। अब हम जानते हैं कि 32 9 का मल्टीपल नहीं है तो ये नंबर भी 9 से डिविजिबल नहीं है। अब हम इस नंबर में क्या ऐड करें कि जो ये नंबर है ये 9 का मल्टीपल भी हो जाए और हम इसको 9 से डिवाइड भी कर सकें। तो अब हमें यहाँ पे ऐड करने को बोला गया है, नंबर शुड बी एडिड। तो हम 32 में क्या ऐड करेंगे कि 9 का मल्टीपल हो जाए, तो हम 32 में 4 ऐड करें 36, या इस नंबर में 4 ऐड करें तो ये 9 का मल्टीपल या 9 से डिवाइड हो जाएगा। तो हमने इसमें 4 ऐड किया तो यहाँ पे ऑप्शन 3 करेक्ट आंसर है हमारे पास। अब मान लो हमारे पास यहाँ पूछा गया हो कि क्या स्मॉलर नंबर हम सब्ट्रैक्ट करें इस नंबर में से कि ये डिविजिबल बाय 9 हो जाए, तो हम क्या करेंगे, हमारे पास 32 आया, इस नंबर का सम हमारे पास 32 आया, तो 32 से जो छोटा मल्टीपल होगा वो होगा 27। 27 आएगा 32 माइनस 5 करके तो 27 आएगा, तो हम 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो नंबर 9 का मल्टीपल बन जाएगा या 9 से डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है। तो आप इस तरह से चेक कर सकते हैं डिविजिबिलिटी रूल से इजीली कि फाइनल आंसर क्या होगा।